दिस इज टाटा टाइम। स्वागत है दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी हो रही है पतंगबाजी? मौसम बढ़िया फिर से खुल गया, धूप आ गई है, थोड़ा ठंडक भी है मौसम में, तो सबसे बढ़िया टाइम है पतंगबाजी करने का, जहाँ पे मतलब इतनी धूप चुभती भी नहीं है और पतंगबाजी करने का अलग ही मज़ा आता है। खैर, वीकेंड आ रहा है तो अपना तो वीकेंड की पतंगबाजी होने के पूरे पूरे चांसेस है, अनटिल अनलेस कुछ आ ना जाए। अब तक तो सब कुछ जोरों शोर से चल रहा है। आप बताइए, आपका क्या चल रहा है? अब कैसी हो रही है पतंगबाजी? कहीं जगह तो 24/7 चल रही है, कई लोग मैदान की पतंगबाजी डेली उड़ा रहे हैं, लकी दे यार। कुछ लोग छतों से डेली कर रहे हैं, तो लकी दे यार। ठीक है, हमारे यहाँ पे सीज़न होता है तो शोर मचा लो तुम, ये ना कि हॉर्न रोक रात के 12 बजे भी। एनीवे, सॉरी यार, सॉरी फॉर द साउंड्स। सो यही है, मतलब एक होता है ना कि अपने यहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेशन हो जाती है कि आपके पास खाली 2 या 3 महीने होते हैं, इसमें आप छतों से डेली कर लेते हैं और वीकेंड पे अपना मैदान चले जाते हैं। बट अब तो बिल्कुल ही मतलब मैदान 6-6 दिन वेट करना पड़ता है यार पतंगबाजी के लिए। चलिए, कहते हैं कि यही एक वो है, एक 2022 की एक कहते हैं ना वेट हो रही है, दुनिया कहती है 2022 January 1st आए, हमारा होता है कि अप्रैल जल्दी आ जाए ताकि भाई वापिस से पतंगबाजी शुरू हो जाए छतों से। आप बताइए आपका क्या चल रहा है। बाकी दोस्तों, आज का भी वो रिव्यू है 1-2-3 की डोर के ऊपर, जैसे मैं 1-2-3 की डोर पर रिव्यूज़ कर रहा हूँ और एक नए मेकर के साथ और नई मांझे के साथ, और बताऊँगा पूरा इसके ऊपर। लच्छी का मांझा है दोस्तों, पूरा बताऊँगा इसके ऊपर। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने आज के ब्लॉग को। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है पतंगबाजी विद सनी, जहाँ पे रिव्यूज होते हैं अच्छे मांझों के, अच्छी पतंगों के, और डिस्कस करते हैं मांझे पतंगों के बारे में। एंड चाइनीज मांझे को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, काइंडली यार अवॉइड कीजिए चाइनीज मांझा जितना हो सके, और लोगों को बोलिए। कल एक भैया ने मैसेज कर रखा था कि यार चाइनीज मांझा जोकर करता है, अरे सब करते हैं यार, आप ट्राई कीजिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब 1-2-3 का मांझा छोड़ दीजिए, किसी की जान लेने से अच्छा है भाई अपनी पतंग कटवा लेना यार। आप, मैं तो यही कहूँगा। ओवरऑल आपके सामने चरखी दिखाई दे रही है, मैं थोड़ा सा चरखी घुमा के दिखाता हूँ आपको। जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं वो है साकिब का सुपर पावर 11-स्टार मांझा। जी हाँ दोस्तों, ये लच्छी बना हुआ मांझा है दोस्तों, और इसको बोलते हैं सुपर पावर 11-स्टार बोलते हैं इसको। साकिब भाई की डोर है ये, आप देख सकते हैं 11 की रेटिंग है। मैं जल्दी से इसका धागा खोल के इसको अनरैप करता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ इस मांझे के बारे में। और ये मेरा मतलब बहुत ही मतलब इसको लगा लीजिए पिछले 2 महीने से टेस्टेड किया हुआ मांझा है, जिसमें से मैं 3 इलसी खत्म कर चुका हूँ। उसके बाद मैं इसका रिव्यू लेके आया था, बिकॉज कि मेरे पास नया आया था कि मैंने इसको पहली बार यूज़ किया था, तो सोचा क्यों ना इसका पहले अच्छे से रिव्यू किया जाए, अच्छे से इसको टेस्ट किया जाए, अच्छे से इसको उड़ा के देखा जाए, हर तरीके के पेज में इसको उड़ा के देखा, फिर इसके लिए आपको रिव्यू लेके आए हैं। तो करते हैं इसको अनरैप और दिखाते हैं आपको मांझे की शक्ल, और आपको दिखाते हैं कैसा है मांझा, कैसे आप बाय कर सकते हैं और क्या है खासियत इस मांझे की। तो हट चुका है धागा, दिखाते हैं आपको इसका रैपर, जो मतलब आपको दिख रहा होगा एक ब्लैक कलर का रैपर जिसपे सिल्वर कलर से लिखा हुआ सब कुछ। मैं आपको दिखा रहा था मांझा, आपने देख लिया तो आपको ये दिखा रहा था, रुक जा भाई। तो कुछ इस तरीके से है रैपर, विच इज साकिब सुपर पावर 11 लिखा हुआ है, 11-स्टार इनका ब्लॉक का नाम है, धुरा लच्छी मांझा। जी हाँ दोस्तों, इसी नीचे इनका 7-स्टार आता है बिलीव, और वो नॉर्मल मतलब धुरा मतलब लच्छी का मांझा नहीं है। और काफ़ी पुराने मेकर हैं ये, काफ़ी अच्छे मेकर हैं। फ़ोन नंबर आपके सामने आ रहे हैं, ये फ़ोन नंबर मैं आपका डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, सो दैट आप इनको डायरेक्टली भी बाय कर सकते हैं। और अगर आप लच्छी की डोर मांग रहे हैं तो आप उनसे कहेंगे तो वीडियो भी मिल जाएगी जो लच्छी करते हैं, ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि लच्छी हुआ कि नहीं हुआ। अब दिखाते हैं आपको मांझा, मांझे से पहले दिखा दें चरखी। चरखी देखिए कुछ इस तरीके से सिल्वर में आता है, वैसे गोल्डन में लगा हुआ है, ये पेंट हुआ हुआ है, बट काफ़ी हैवी चरखी लगा के दिए इन्होंने, ये देखिए। और ये है हमारे मांझे का कलर, बहुत ही मतलब मेरे को
अच्छा लगता है कलर, मतलब मेरे लिए एक काइंड ऑफ मतलब ब्लैक ब्लैक से हट के कुछ नए कलर आते तो रियली मतलब आई लव देम। तो कुछ इस तरीके से ये था। इस मांझे से थोड़ी सी इश्यूज आए थे मेरे साथ कि थोड़ा सा जब मैंने मांझा लिया था तो उस टाइम पे ये हल्का सा मतलब जब एक रील के बाद हल्का चिपक रहा था, तो मेरे को मैंने मेकर को फ़ोन किया तो उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी हेल्प आउट किया। उन्होंने थोड़ा सा मांझा उतरवाया धुई चरखी के ऊपर, उसके बाद वापस से चेक किया तो अब उसके बाद दो रील उड़ा चुका हूँ, ऐसा कुछ इशू नहीं आया। बोले कई बार बीच बीच में जैसे नमी होती है मौसम के टाइम, नमी के टाइम पर बन रहा था तो थोड़ा सा उसके आगे का तो आप उतार दीजिए, 100-200 मीटर उतारना पड़ा था, उसके बाद बहुत ही बढ़िया निकला, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए। और आपको दिखाते हैं मांझा, जैसे आप देखिए चरखी मेरी ऑलमोस्ट यूज़ हो चुकी है, ये तीन रील मैं इसमें से कह चुका हूँ यूज़ कर चुका हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैंने पहली बार ट्राई किया था, ये मेरे पास पहले नहीं था। तो एक होता ना कि मैं इसका रिव्यू करने से पहले खुद भी एक संतुष्ट हो जाता है कि मांझा सही में अच्छा है। कई बार क्या होता है कि मतलब जिस तरीके से चीज़ बोली गई है उस तरीके से चीज़ मिली है कि नहीं मिली है। और जब ये मांझा बाय किया तब उनसे नई बात थी कि ये यूट्यूब के लिए चाहिए, तब उनको था कि भैया हमें वैसे बाय करना है, तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने हमें मतलब चीज़ें बताया कि हमारा लच्छी का मांझा ऐसा है, आपको वीडियो चाहिए तो हम वीडियो मेरे को बना के भेजिए, मैं आपको वीडियो जल्दी शेयर करूँगा एक दूसरी वीडियो के अंदर। तो अच्छे से पूरा डील किया, पूरा कॉल वॉल किया, इनके बेटे हैं जो मेकर के बेटे सब डील करते हैं, इवन अच्छे पढ़ लिखे हैं, अच्छे से बात करते हैं और पूरा रिस्पॉन्स करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो मैं आपको थोड़ा सा मांझा निकाल के दिखाता हूँ कि मुझे मांझा क्या अच्छा लगा था इसके अंदर और कितनी बढ़िया चीज़ निकली थी ये। तो दोस्तों ये निकल चुका है मांझा, आपको दिखाते हैं इस मांझा को थोड़ा सा पास ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो देखिए दोस्तों ये है मांझा, बारीक नहीं है ये, जैसे मैं बारीक कहता हूँ कि वैसे बारीक नहीं है, हल्का सा मोटा किया हुआ मांझा है, विच इज़ अ गुड फॉर, कहते हैं ना कि आपका जैसे हवा तेज का पेच हो गए और लंबे रेंज के लिए, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया थोड़ा सा अच्छे रिस्पॉन्स आ जाते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी इनकी लगी, जो इन्होंने मतलब सुताई करी है ना लच्छी की डोर पर, जो सुताई होती है मोस्टली ज़्यादातर आपका मिलता है गोल धार जैसे होता है ना, ये आपको मतलब स्मूथनेस मिलती है, लेकिन इन्होंने सर्दी के हिसाब से इसको हल्का सा काटा ज़्यादा करके दिया। उसके लिए इन्होंने बताया कि 6 हाथ मतलब उनके 4 हाथ की जगह उनको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी थी, मेरी बात हुई थी, तो इस पे आपके 6 हाथ मतलब 6 से 7 हाथ लगे हैं, जिसकी वजह से हल्का सा मोटा भी हुआ और विंटर के हिसाब से इन्होंने हल्का सा इस पे मार मतलब इसको चढ़ी हुई डोर बना के भेजी है, बहुत कम मिलता है, मतलब कहता है कि इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो लच्छी के साथ क्या होता है कि सबके सब जानते हैं कि लोच वाली, ये थोड़ा लोच कम है इसके अंदर और थोड़ी सी गोल धार है, लेकिन शार्पनेस मतलब होती नहीं कि प्रॉपर चढ़ी हुई डोर जो होती है, और बहुत ही बेहतरीन डोर है। इसको देख के ना मुझे चढ़ी हुई डोर में मतलब ऐसे एक मेरे पास आया था ब्रेली लॉइन आया था चढ़ी हुई डोर के अंदर, कुछ वैसी सी फीलिंग आती है कि उनकी भी बहुत ऐसे चढ़ी हुई डोर थी, बिल्कुल ऐसी चढ़ी हुई डोर है दोस्तों बिल्कुल ये। बट आराम से आपके पेज चढ़ेंगे, जो हमने ट्राई किया इसके ऊपर मतलब खींच के पेज, तो मतलब ऐसे लगा लो कि अलग ही है, लेकिन जो लंबी रेंज के पेज थे बहुत ही मतलब उम्दा, बहुत ही फास्ट रिस्पांस चले थे, 3-4 पेज खेले थे लंबे में फंसा के और अच्छे रिजल्ट आए थे, मतलब ये लगा लो कि धार होने की वजह से, चढ़ा होने की वजह से जल्दी इसने वो दिया, ऊपर से मौसम भी ठंडा चल रहा है तो एक अपने आप ही इसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। और इसका दोस्तों प्राइस पड़ा था मुझे विद कोरियर 2100 की पड़ी थी, ये विद कोरियर पड़ी थी और मैंने डायरेक्ट लिया था ये मेकर से। तो आप भी 2100 के अंदर अगर आप चाहते हैं मतलब 1900 का रेंज लेके चलिए, जो मांझे की है, अगर आप भी ढूंढ रहे हैं एक अच्छी डोर लच्छी के ऊपर और इस रेंज के अंदर जो चाहिए आपको सर्दी के लिए और थोड़ा सा काटा जिसमें ज़्यादा हो, तो आप सकीब का पावर 11 जो भी है, ये पावर हाउस पावर 11 बोलते हैं इसको, बिल्कुल ट्राई कीजिए, बिकॉज ऐसे मौसम के लिए खासकर सर्दी के लिए ऊपर से बहुत ही बढ़िया डोर, हल्की चढ़ी हुई डोर और सही रेंज के लिए मतलब 700-800 मीटर के लिए बहुत उम्दा डोर है दोस्तों, बहुत ही उम्दा डोर और हर तरीके से लड़ने वाली डोर है। तो ओवरऑल रिव्यू यही है भैया, जिसको जो लोग चाहते हैं चढ़ी हुई डोर बोलते हैं काटे वाली डोर और साथ में लच्छी का भी एक उसमें तड़का लग जाए, और प्राइस भी मतलब 1900 का विद कोरियर आपको 2100 का बताया कि 200 लगते हैं मेरे यहाँ पे कोरियर लगने की, भी पैकिंग वैकिंग कोई चेक करवा के भिजवाता हूँ, तो 2100 रुपये के अंदर एक बढ़िया चढ़ी हुई लच्छी की डोर है ये, 700-800 मीटर के लिए हर तरीके से उड़ने वाली डोर और ट्राइड एंड टेस्टेड डोर है दोस्तों ये, मतलब 3 रील टेस्ट करने के लिए काफ़ी होती है किसी भी मांझे के लिए, बहुत ही बढ़िया डोर है और आगे भी अभी उड़ रही है ये, इवन इस वीकेंड भी यही उड़ेगी और बहुत ही उम्दा डोर। बाकी नंबर डाल दूंगा मेकर का आपका वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ फर्दर रिव्यूज। बाकी दोस्तों यहीं पे करते हैं वीडियो को रैप अप, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।